कराची से खबर शामिल करते हैं, जहां पर सिंध नॉन मुस्लिम वेलफेयर कमेटी का इजलास। कमेटी के चेयरमैन और सिंध के वजीर बराए अकलियत तैमूर ज्ञानचंद इसरानी की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली की कमेटी रूम में मुनक़द हुआ, जिसमें हंगलाज माता की यात्रा के लिए यात्रा बस सर्विस चलाने की हतमी मंजूरी दी गई और ज़िलाई सतह पर कमेटियाँ बनाई गई जो कि यात्रा के लिए जाने वालों की हतमी फरहिस्त मरतब करने के अलावा यात्रा के दीगर इंतजाम की देखभाल करेंगे। इजलास में फैसला किया गया कि यात्रा के लिए 7 बसों पर मुश्तमिल पहला काफिला 22 जुलाई बरोज हफ्ता कराची से रवाना होगा, जबकि इसी तरह मरहलावार हैदराबाद समेत हर जिला से काफिले रवाना होंगे। इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि जिला थरपारकर और उमरकोट में हिंदुओं की अक्सरियत होने के बायस दोनों इजलास से इजाफी बसें चलाई जाएंगी। इस मौका पर सूबाई वजीर ज्ञानचंद इसरानी ने कहा है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के खसूसी हिदायत पर हंगलाज माता की यात्रा के लिए बस सर्विस शुरू की गई है, जिसे सूबे भर से भरपूर पजीराई मिली है, जबकि दीगर अकलियती सिख और मसीही बरादरी के मुकदस मकामात की यात्रा के लिए भी काफिले रवाना किए जाएंगे। इस मीटिंग में नॉन मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के मेंबर और जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट मिनोरिटी विंग साबिर परवेज हबीब की जानिब से सियालकोट कन्वेंशन और ज़ियारत मुकदसा मरियम के लिए प्रपोजल पेश किया गया था। इस मौका पर इजलास के शुरका ने सूबाई वजीर की जानिब से यात्रा बस सर्विस शुरू किए जाने के इकदाम की भरपूर तारीफ करते हुए कहा कि ये सूबे में इस तरह का पहला मनफरद इकदाम है जिसको अकलियती बरादरी ने भरपूर सराहा है।